गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन अभी चल रहा है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनके बारे में हमने रीड किया है, और इंडस्ट्री से किस प्रकार से हमारी जो नेशनल इकोनॉमी है उसमें ग्रोथ किस प्रकार से होता है वो हमने देखा है। और जितनी भी जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कैसे इनसे फिर रॉ मटेरियल से बाद में अपन वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है, और कैसे कहाँ कहाँ पे ये फिर लोकेटेड है, मैप के माध्यम से हमने ये सब पढ़ा है। फिर इसके बाद आता है जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है, ठीक है, यानी जो औद्योगिक जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से हो रहा है, और कौन कौन से वो डिफरेंस टाइप के पोल्यूशन है। तो कल इसमें हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। अब इसके बाद जो थर्मल पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब है थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकोर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। यानी जो थर्मल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन का मतलब होगा जो तापीय प्रदूषण है, ठीक है, वो जो उनका जो वेस्ट जो पानी होता है, ठीक है, जो गर्म कारखानों से, यानी जो जो फैक्ट्रियां हैं जब चलती हैं, तो जो तापीय जो भट्टियां होती हैं इनसे जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक भी होता है, और उसको बिना किसी प्रकार से कूलिंग किए हुए, ठीक है, ठंडा नहीं करते उस पानी को, और ऐसे ही वो उनमें बहा देते हैं, किन में, भाई तालाबों में या नदियों में उनको छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ये। वाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ, यानी इससे जो जलीय जीवन है उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है वो हम बताएंगे इसमें। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, यानी जो न्यूक्लियर जो पावर प्लांट्स होते हैं उनका जो वेस्टेज होता है, जो कचरा होता है, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कोज कैंसर, ब्रथ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज। यानी ये जो न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर से जो इनका जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनको किस प्रकार से ये इनके जो कारखाने हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियर जो इंडस्ट्री है उनसे जब ये इनका वेस्ट निकलता है तो क्या क्या होता है, उससे कैंसर्स होता है, बर्थ डिफेक्ट्स, जन्मजातीय प्रभाव, यानी किस प्रकार से दुष्प्रभाव पड़ते हैं, एंड मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब होता है कि मतलब जन्म से पहले ही प्रसव हो जाना, यानी मतलब जैसे कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म की जो उम्र होती है वो 9 माह होती है, भाई 9th मंथ के अंदर बच्चा मतलब होता है, तो वो जैसे 3 या 4 मंथ के ऊपर ही वो बच्चा जन्म ले लेता है, यानी वो मिसकैरेज, यानी बहुत बड़ी घटना। किस लिए होती है ये घटनाएं, सिर्फ ये न्यूक्लियर जो कचरा है ये जब हमारे नदियों में या फिर तालाबों में चला जाता है, उससे जब हम पानी पीते हैं, और जब वो पानी हम पीते हैं तो वो शरीर के अंदर जाता है, और शरीर के अंदर से वो किस प्रकार से इफेक्ट करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। फिर इसके बाद आता है सोइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, यानी जो मिट्टी और जो पानी का जो प्रदूषण है वो आपस में बहुत ही क्लोज संबंध है इन दोनों का आपस में। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस, पैकेजिंग, साल्ट एंड गार्बेज रेंडर द सोइल यूजलेस। यानी जो इंडस्ट्री के अंदर जैसे जो इनका मतलब जो ढेर निकलता है मलबे का, जैसे कांच हो गया, या फिर जो हार्मफुल जो केमिकल्स हैं, हानिकारक रसायन है, पैकिंग है, और जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस यानी औद्योगिक जो बहाव, यानी जो उद्योग से जो कचरा निकलता है बह करके, वो इसके अलावा जो भी कूड़ा करकट है वो सब क्या करते हैं, जो हमारी सोइल होती है, ठीक है, इसको यूजलेस बना देते हैं, इसको अनुपजाऊ बना देते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है। फिर रेन वाटर परकोलेट्स टू द सोइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कॉन्टिमिनेटेड। यानी जो ये कचरा होता है, ठीक है, बारिश के पानी के साथ ये कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और जो पीने का जो पानी होता है, जो जमीन के कई 100 फुट 400-500 फीट नीचे जब ये बहता है, ठीक है, तो वो पानी भी इसका प्रदूषित हो जाता है, और वो पानी फिर हम वापस पीते हैं तो हमारा शरीर फिर ये इससे इफेक्ट हो जाता है, और डिफरेंट टाइप के जो डिजीज होते हैं वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं। अब कई कंपनियां जो हैं हमारे यहाँ पे आसपास, बहुत सारी कंपनियां लगी हुई हैं, वो क्या करती हैं, या तो जो नाला होता है, जैसे कोई आसपास नदी है या तालाब है उसके अंदर छोड़ देंगे, अगर यहाँ नदी नहीं है
आप मान लो कि जैसे कहीं भई रेवाड़ी, साजापुर, धारवाड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा, बावल और फिर यहाँ बहरोड, कोटपुतली, इन जो जहाँ ये पूरी बेल्ट है इंडस्ट्री की, यहाँ कोई नदी नहीं बहती है। तो ये जो जितना भी जो कचरा होता है ये क्या करते हैं, तो ओपन में छोड़ देते हैं, खुले के अंदर छोड़ देते हैं, जो बारिश से वो फिर जा करके कहीं एक बड़े से तालाब के अंदर वो कचरा इकट्ठा हो जाता है, मिल जाता है उनको, जीव जंतु भी खाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स उनको पानी को पी लेते हैं। तो उनसे फिर जैसे कोई मान लो दुधारू पशु है और उसने उस पानी को पी लिया, ठीक है, तो फिर वो फिर डिफेक्ट हो गया, वो इफेक्ट हो जाएगा और बहुत सारी डिजीज उसके अंदर आ जाएंगी। ऐसे ही जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर अपन देखें, या फिर क्या करती हैं ये जो कंपनियां होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अंडर जैसे जमीन के अंदर 400-500 फीट जो गहरा एक कुआ बना देती हैं, ठीक है, उसके अंदर पाइप के द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को नीचे जमीन में डालती है। जब जमीन के अंदर जो अंडर वाटर, जो ग्राउंड वाटर जो है, जमीन के अंदर जो पानी है वो जब बहता है तो उससे बहुत सारा जो पानी है वो बेकार हो जाता है। तो जैसे अपन कुओं से जब पानी निकालते हैं नीचे से, तब अपन देखते हैं कि खेत के अंदर जब पानी देते हैं, अपन वाटरिंग करता है कोई फार्मर्स, तो उसमें क्या होता है कि सारा व्हाइट 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 सा हो जाता है, वो नमक जैसा पानी हो जाता है। तो वो सारा क्या है, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज है, जो कचरा है, उससे वो पानी इफेक्ट हो रखा है। आज से लगभग 40-50 ईयर्स पहले, जब ये इतनी फैक्ट्रियां नहीं थी, तो अपना पानी बहुत अच्छा था, लेकिन अब पानी का जो वाटर जो पोल्यूशन है वो क्यों हो रहा है, वो इस थर्मल जो पोल्यूशन हैं और जो इनके जो फैक्ट्री का जो वेस्टेज है उसके कारण, जो जब उसको जमीन में डालते हैं उसके कारण वो पोल्यूटेड हो रहा है। अब अगला आता है नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन का मतलब होता है ध्वनि प्रदूषण। क्या होता है, नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग इम्पेरिमेंट्स, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर्स, अमोंग अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। यानी ये जो बहुत सारे, जैसे मान लो आप अपन देखते हैं जैसे ध्वनि प्रदूषण है, इससे क्या होती है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो पड़ता ही है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ जाता है। फिर इसके अलावा ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप बढ़ जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट जो हृदय गति है वो बढ़ जाती है, इसके अलावा क्या है, हियरिंग इम्पेरिमेंट यानी जो सुनने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है, और गुस्सा आने लगता है। ये किसके कारण होता है, नॉइज पोल्यूशन। अगर आप शांति से बैठे हो और वहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा हो रहा है, तो एक्चुअल बिल्कुल सिंपल बात है ये कि अपने को क्या होगा, खिंता बढ़ेगी, गुस्सा आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, नॉइज पोल्यूशन से होता है। लेकिन यहाँ तो लाखों की संख्या में जो फैक्ट्रियाँ हैं और जब उनकी कंपनियाँ चलती हैं और उससे जब नॉइज का पोल्यूशन होता है, तो ये सारी चीज़ें इससे नुकसान होता है। अब इसके बाद है अनवांटेड साउंड्स इज एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, यानी जो अपन भाई ऐसा जो अनचाही ध्वनि है, जो ध्वनि होना नहीं चाहिए, उसे क्या होती है, उत्तेजना, और जो मानसिक जो चिंता है अपनी, मेंटली जो प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, जनरेटर्स, सोर्स एंड पोनोमेटिक एंड इलेक्ट्रिकल ड्रिल्स आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज, यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनसे ये ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है, नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर के ऊपर औद्योगिक हो गए, काफ़ी जो जैसे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनके कार्य हो गए, है ना। इसके अलावा फिर जैसे अपन देखते हैं कि भाई जनरेटर वगैरह हो गए, कारखानों की बड़ी बड़ी मशीनरियाँ हो गई, लकड़ी वगैरह चीरने के कारखाने हो गए, विद्युत जो जैसे इलेक्ट्रिक ड्रिल्स है, विद्युत ड्रिल्स है वो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अपने को क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण इनसे फील होता है। तो ये प्रदूषण जो है ये हमारे लिए काफ़ी दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से ये हमेशा एक मतलब गलत इफेक्ट डालता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो आज हमने जो जितने भी पोल्यूशंस थे कल और आज में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, इसके बारे में हमने पढ़ा है। कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो अपना वातावरण है उसका निम्नीकरण हुआ है, जो अपना पर्यावरण का जो निम्नीकरण हुआ है उसको किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम संतुलित कर सकते हैं, ये चीज़ें हम कल के पार्ट में पढ़ेंगे। आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसमें से, आज जो पढ़ाया गया इस पार्ट्स में से, और उसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करो।